ये देखिए हलवाई स्टाइल मशरूम मटर की सब्जी की ग्रेवी का टेक्सचर और कलर कितना अच्छा दिख रहा है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लीनास कुकबुक। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम 3 मीडियम प्याज लेंगे, उसको बड़े टुकड़ों में काट कर मिक्सर में इसका दरदरा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए प्याज का दरदरा पेस्ट रेडी है। प्याज को बारीक नहीं पीसना है, नहीं तो कुक करते टाइम ये कढ़ाई में चिपकते जाएंगे। अब हम टमाटर का पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिए हैं 4 मीडियम टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 12 कली लहसुन की, 2 से 3 हरी मिर्च और करीब 12 से 15 काजू। काजू को करीब 1 घंटे के लिए पानी में भिगा के रखना है। इन सबको मिलाकर इनका फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए टमाटर का भी फाइन पेस्ट तैयार है। अब एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच सरसों तेल को हम स्मोकिंग आउट होने तक गर्म करेंगे, फिर गैस को बंद कर देंगे और तेल को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तेल थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसमें हम प्याज का पेस्ट डालकर भूनेंगे। प्याज के पेस्ट को मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब हम गैस का फ्लेम लो पर कर देंगे और उसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे एक सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। फिर डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1.5 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला। किचन किंग मसाले से सब्जी का फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करके करीब आधे मिनट तक पकाएंगे। फिर इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 3-4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप मटर। मैंने यहाँ फ्रेश मटर यूज किए हैं, आप चाहे तो फ्रोजन भी यूज कर सकते हैं। मटर डालने के बाद इसे करीब 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे, जब तक इसका तेल अलग ना हो जाए। सब्जी का तेल अलग होने के बाद फिर उसमें हम डालेंगे 3/4 कप पानी। पानी डालने के बाद सब्जी को हम लो फ्लेम पर कर देंगे और उसे करीब 7-8 मिनट तक ढककर पकाएंगे। सात से आठ मिनट पकाने के बाद इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम मशरूम्स। मशरूम्स को मैंने अच्छे से धोकर काट के रखा था। मशरूम डालने के बाद हम इसको ढककर करीब 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे। मशरूम में काफ़ी मॉइस्चर होता है, इसलिए हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। अब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, मशरूम और मटर पक चुके हैं और हमारी ग्रेवी भी थिक हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच मलाई। मैंने यहाँ घर की मलाई का यूज़ किया है, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने तवे पे हल्का सा भून लिया है और अपने हाथों से क्रश कर लिया है। कसूरी मेथी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच शक्कर। शक्कर डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत बैलेंस हो जाता है। मलाई डालने के बाद सब्जी को हम करीब 2 मिनट तक लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। दो मिनट बाद सब्जी को हम सर्विंग डिश में निकाल लेंगे और इसे रोटी, पराठा या नान के साथ सर्व करेंगे।
दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।